एनिमल मूवी में रश्मिका के बोल्ड सीन देखकर गुजरात के एडवोकेट ने उठाई आवाज। चलिए जानते क्या कहा उन्होंने एनिमल मूवी को लेकर। आज रात एनिमल मूवी देखने का मन हुआ। जिस तरह सोशल मीडिया और न्यूज में दिखा रहे हैं कि इस मूवी ने सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि इससे मीडिया और न्यूज वालों की मानसिकता का पता चलता है कि आज के लोग क्या सोचते हैं और ऐसी फिल्में इन्हें पसंद आती है। फिल्म में केवल महिलाओं का ही एक प्रयोग उपकरण दिखाया गया है और धूम्रपान, दवाओं और सिगरेट से कैसे आप मजबूत बन सकते हैं ये दिखाया गया है। एक्शन भी बहुत ही बकवास है। रियल लाइफ में जो है ही नहीं ऐसा दिखाकर आज के युवाओं को सिर्फ गुमराह करके ऐसी फिल्में बॉलीवुड में दिखाकर पैसा कमाया जा रहा है। धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलकर सार्वजनिक रूप से सेक्स का प्रदर्शन करा जा रहा है। पिता के सामने और पूरे परिवार के सामने नंगा हो जाना दिखाया गया है। कितना उचित है ये? यह आर्टिकल सिर्फ इसलिए हैंकी आजकल के बच्चे जो सिगरेट के साथ साथ अब शराब भी पीने लगे हैं और इसी तरह की फिल्में देख देख कर रेप कैसेस का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है। आखिर में नुकसान किसे है? आपको, आपके बच्चों को और आप सबके भविष्य को। सेंसर बोर्ड भी ऐसी फिल्मों को परमिशन दे रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या आपको नहीं लगता कि आज के सामान्य इंसान के मन और दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपको क्या कहना है? भरत एल, भाग्य विधाता, एडवोकेट।